कितनी बार बताया पुष्पा जी नहीं है अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई है वो। क्या टोपा हो क्या? हम काय पैसे दे उनके गोलगप्पा के? हमने खाए गोलगप्पा? तुमने हमसे पूछा गोलगप्पा देने से पहले जो हम पैसे दे? सुनो, हमारा दिमाग नाच तपा हुआ है, बता रहे हैं। फोन थोड़ी देर और ऑन रहेगा ना तो फोन के अंदर से घुस के कंटाक मारेंगे, समझ गए? रखो तुम। एक तो मैडम सर का नया ऑर्डर आया है कि काउंसलिंग भी हम ही संभालेंगे, हमको और कोई काम नहीं। आप और काउंसलिंग? जी नली जी, ये बताइए, जिसके मार के डर से खुद दूसरा लोग काउंसलिंग लेने जाता है, अब वह काउंसलिंग करेगा? बहुत डेंजर वाला चीज है मैडम। पर काउंसलिंग लिए तो दिमाग चाहिए होता है ना। संतोष जी, का बोली? नहीं नहीं नहीं, 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 मेरा मतलब है, मेरा मतलब है कि ठंडा दिमाग चाहिए होता है ना, पेशेंस वाला काम है, और आप इतनी गर्म दिमाग वाली है, हाई टेम्पर्ड वाली है, तो काउंसलिंग वाला जॉब बहुत मुश्किल होता होगा ना, तो मैं ऐसे आ रही थी। सब बकवास है ये, बता रहे हैं हम तुमको। कान के नीचे दो कंटाप पड़ते हैं ना तो अपने आप सारे सुर बदल जाते हैं। थैंक यू मैडम। और ये बिल्ला कहाँ है सुबह से, आज दिखाई नहीं दे रहा है? बिलौटा? हाँ। मैडम, राजस्थान में ना अखिल भारतीय चोर सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर ना सभी चोर लोग इससे मिले हुए हैं और इस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अपना जो औधा है वो बढ़ाया जाए, कैसे पॉकेटमार से डकैत बना जाए। वहाँ का आयोजक लोग ना इसको ना स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाया है बाकी चोर के काउंसलिंग के लिए। बताइए। ओ, तो बिलू राजस्थान गए? एक्सक्यूज मी, सॉरी। जी बताइए, क्या मदद कर सकती हूँ? वो जी कॉटन सी बात है, बड़ा सिल्क सिल्क सा केस है, जरी वाली रिपोर्ट लिखवानी थी। का बोल रहे हैं सर? साड़ियों की दुकान है इनकी, 10 साल से साड़ियाँ बेच रहे हैं। साड़ियाँ बेचते बेचते उस धंधे में इतना घुस गए हैं, वैसे भी कुछ कहते हैं ना तो साड़ियों का जिक्र आ ही जाता है। बहुत खराब बीमारी है, किसी पढ़ा लिखा डॉक्टर को दिखाइए। वैसे का कह रहे थे साड़ियों के बीच में का? जी पूछ रहे हैं रिपोर्ट लिखवानी है, कहाँ लिखवाएं? देखिए, वो हमारी एसआई मैडम है, रिपोर्ट ना वही लिखेंगी। आई आई, आप इस तरफ आइए। सॉरी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई आई, जाइए जाइए, लीजिए संतोष। मैडम रिपोर्ट लिखवानी है, बैठ जाएं? बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है, बताइए। मेरा नाम नुपुर है और ये मेरे पति सुधीर। आप अपना तकलीफ बताइए। ये समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी तकलीफ लग भी रहे हैं। आप ना हमें साफ साफ शब्दों में बताइए कि क्या चक्कर चल रहा है आपका। बात दरअसल ये है मैडम जी, कल हमने न्यू ब्रांड देसी गोटेदार चमकती हुई सिफोन वाली काम वाली रखी थी घर का काम काज करने के लिए। आज सुबह अपना सारा सामान लेके घर से भाग गई। अब इनको हमारी बनारसी सिफोन साड़ी धर्मपत्नी को लगता है कि इसके जिम्मेदार हम हैं। अब बताइए मैडम जी, हमने सिर्फ ईयरफोन लगाने से मना किया था, बस। ईयरफोन लगाने से मना किया था, मतलब? देखिए मैडम जी, जब बात करते थे ना उसके कान में ईयरफोन लगा रहता था, गाना सुनती थी। अरे मैंने कहा भाई, दुकान में रेशमी साड़ी खुलने पर भी इतना नहीं फैलती जितना तुम यहाँ से फैल रही हो, थोड़ा लिहाज करो, मैं मालिक हूँ, बस यही यही कहा बस। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम जी, कल आई आज फिर, अरे मार्केट से पुरानी साड़ी का स्टॉक भी इतनी जल्दी गायब नहीं होता मैडम जी जितनी जल्दी वो गायब हो गई। अब हमारी धर्म पत्नी को लगता है कि मेरी बात से नाराज होकर चली गई, भाग गई। देखिए उसमें हमको दिलचस्पी नहीं है, आपका वो निजी मामला है, आप अपने घर पे जाके उसको सुलटाइएगा, यहाँ मत लाइए उसको। बात है आपकी काम वाली बाई की, तो हमको ये बताइए कि वो कहाँ से आई थी और कुछ घर का कोई सामान लेके तो नहीं गई? क्योंकि आजकल इस तरीके के चक्कर का बहुत शिकायतें आ रही है मेड को लेके, तो क्या क्या है बताइए, कहाँ से आई थी वो? बस बहुत हुआ, ये मैडम कब से मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रही है और तुम बस मेरा मुंह देख रहे हो? गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे साथ यहाँ कंप्लेन कराने आ गई, जा रही हूँ मैं। अरे सुनो बेबी, बेबी, बेबी। रुकिए रुकिए रुकिए, काम डाउन। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। देखिए हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, जब घर की मेड अगर अचानक से कहीं चली जाए तो घर की सारी जिम्मेदारी, सारा काम काज, सब कुछ घर की मालकिन पर आ जाता है, ये बात हम जानते हैं। बिल्कुल ठीक, लोग रोज सुबह उठकर भगवान से भेंट मांगते हैं और हमने मेड मांग ली, जैसे तैसे तो भगवान ने हमारी सुनी, एक मेड मिली, उसे बिना इस आदमी ने भगा दिया और खुद भी कुछ घर का काम नहीं करता है, और ऊपर से ये मैडम बोलती हैं कि इनको हमारी परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है? अरे मैडम आप क्या जानो एक मेड की कीमत, औरत के सर का ताज होती है मेड, हर सुखी हाउसवाइफ के जीवन का ख्वाब होती है मेड। मैडम आप ही हैं जो हम हाउसवाइफ का दर्द समझ रही हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो भी आपकी बात समझती हैं, बस जाहिर करने का उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। ये सब छोड़िए, एक बात बताइए, आपकी बाई आरती मेड एजेंसी के थ्रू आई थी?
जी जी वहीं से हायर किया था, आरती मेड एजेंसी। पिछले कई दिनों से इस आरती मेड एजेंसी से बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। ये लोगों को मेड देने का कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट के बदले अच्छी खासी रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर उनसे ले लेते हैं। उसके बाद मेड आती भी है, दो दिन तक काम करती है और फिर घर का सारा सामान लेकर गायब हो जाती है। फिर ना तो ये मेड मिलती है और ना ही ये एजेंसी। हाँ जी हाँ जी, 50,000 रुपए जमा किए थे बतौर सिक्योरिटी, आपका मतलब है 50,000 रुपए गए? मैडम जब आप इतना जानती हैं, तो इन जालसाजों के खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए हमने इस मामले की तहकीकात ऑलरेडी शुरू कर दी है, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, हमें जैसे कुछ पता चलेगा विल गेट इन टच विद यू। गुटेदार नमस्कार मैडम जी। संतोष शर्मा, यस मैडम, इस मेड केस का कोई अपडेट? यस मैडम सर, इन्फॉर्मेशन निकाली और ये पता चला है कि दोनों एजेंसीज का वर्किंग पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहली मेड को भगाने के बाद दूसरी मेड के लिए कंपनी से फोन आते रहते हैं और दूसरी मेड भेज रहे हैं ये बोल के दूसरी मेड भेजते ही नहीं है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, नया क्या है? हाँ, नई बात ये है मैडम सर कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं जड़ बुद्धि हूँ, लेकिन वो ये मानते नहीं है कि मैं समझदार भी हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ। हूँ मैं। है आप? केस के बारे में कोई अपडेट? हाँ, केस के बारे में मेरी नजरों में ये आ रहा है मैडम सर कि दोनों एजेंसीज की जो बंद और खुलने की डेट है ना, वो थोड़ी वियर्ड है। जिस दिन आरती मेड एजेंसी बंद हुई, ठीक उसी दिन दूसरे जगह सत्य मेड एजेंसी जो है वो खुली। और इन केसेस के पिछले रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं कि एक दिन अगर एक कंपनी बंद होती है तो उसी दिन दूसरी जगह दूसरी एजेंसी खुलती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना कोइंसिडेंस पॉसिबल है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये दोनों एजेंसीज शामिल हैं और इनका बहुत बड़ा कारोबार है जो कभी बंद नहीं होता। चीता चतुर्वेदी, तुम्हारे सुझाए हुए प्लान पर काम करेंगे, उस एजेंसी से एक बाई हायर करेंगे, जब वो भाग जाएगी तो उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे और उसके थ्रू उस पूरे गैंग को भी पकड़ लेंगे। करिश्मा सिंह जी, अब पिछले दिनों कुछ परेशान थी, कह रही थी कि आपकी मेड छुट्टी पर जाने वाली है। हाँ मलाइका ना? मलाइका, वो गई कि है? जाने वाली है। जाने वाली है, परफेक्ट। का नहीं नहीं, केस के लिए परफेक्ट। अब आप उस एजेंसी को कॉन्टेक्ट करेंगी और एक काम वाली हायर करेंगी। इस घर में कमरे कितने हैं? 3 कमरा है। लोग? 3 है। एसी? है। केबल कनेक्शन है ना? हाँ है। रिश्तेदार तो ज्यादा आते जाते नहीं है ना? नहीं। देखिए परफ्यूम फ्लोर क्लीनर के बाद ही पोछा करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ अब सबसे जरूरी बात और बात है। हाँ तो है ना? बताइए बताइए बताइए। बाई कोई नहीं बोलेगा, नाम बता दिया है, नाम है शन्नो। अगर हम थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो आप बार बार फोन मत कीजिएगा, हम कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है। हाँ शनिवार मंगलवार और बृहस्पतिवार नॉन वेज नहीं बनेगा। नहीं नहीं उसका प्रॉब्लम ही नहीं है कि का है, हमारी सासू माँ को पसंद नहीं है नॉन वेज। हमें भी पसंद नहीं है। ठीक है तो अब तुम एक काम करो, आप हमें आप कहिएगा, हमने बोल दिया है। क्या है कि तू तड़ाक तुम हमें पसंद नहीं है ना? सही है, हमको भी नहीं पसंद, आप बोलेंगे। आपको आज के बाद खाने में नमक थोड़ा ज्यादा रहेगा। काहे हमको हमको खाने में ना तेज नमक बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें पसंद है ना? ठीक है तो हो गया आपका फिलहाल। फिलहाल आप एक काम कीजिए ना, आप जाके कड़क चाय बना के लाइए हमारे लिए, रसोई उस तरफ है। उधर? जी उधर। हाँ भाई कुछ भी हो, जैसा तुमको कड़क चाय कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया। तुमने आपने जैसा कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया है। क्योंकि हमें पसंद है ना, हम ऐसी ही चाय पीते हैं। नहीं कुछ भी कहो, आज के जमाना में आप जैसा काम वाली बाई मिले। हाँ आया आप जैसा ही कोई मिलना शन्नो रानी बहुत मुश्किल है। ये ठीक है तो आज से भी घर का मालकिन आप। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। नहीं 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 मलाइका मलाइका, 500 ऐसा कुछ नहीं। हमारे जाते ही आपने काम वाली रख ली। काम वाली बोल रही है तो फूल वाली बोलो अब। हमारा बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या दीदी? हमारी गांव की ट्रेन अगर कैंसिल ना हुई होती तो हमें पता ही नहीं चलता
कि हमारी जगह यहाँ किसी और ने ले ली है। इतनी बार कहा है पुष्पा जी से ओवर एक्टिंग की क्लासेस मत लिया करो। नूडल्स भी बनने में 2 मिनट लगते हैं दीदी, आपने हमें 1 सेकंड में पराया कर दिया। नहीं मलाइका, मर गई मलाइका, जा रहे हैं हम ये घर और रिश्ते छोड़कर। नहीं नहीं मलाइका मरवाओगी हमको, जा रहे हैं हम, इस जमाने हर जाए, हो सके तो भिजवा देना मेरा गद्दा और रजाई। गुड बाय दीदी, अलविदा। नहीं सामान सामान। चलो चलो जल्दी, अरे ये सूटकेस उठा के अंदर रख दो रिक्शा में। अरे सूटकेस उठा रहे हो या डोली? अरे मलाइका जी, मलाइका जी, अरे जल्दी उठाओ, चलो अंदर। मलाइका जी रुको रुको रुको, चलो। अरे हसीना मैडम, जय हिंद। लगता है आपकी फिर जीप खराब हो गई क्या? आइए आपको कहीं छोड़ देता हूँ। नहीं हमारी गाड़ी ठीक है, आप सूटकेस रखिए, हमें जरा बात करनी है। हाँ बताइए ना मैडम, क्या बात करनी है? मलाइका जी हमारी बात सुनिए, देखिए हम जानते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें करिश्मा सिंह की कोई गलती नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमने उन्हें कहा था ऐसा करने के लिए। आपने? हे भगवान! ऑटो पे रहम करो। आपने कहा सो कहा, करिश्मा दीदी मान कैसी गई आपकी बात? देखिए मलाइका हम ये सब एक केस के लिए कर रहे हैं, सुना होगा अभी वो काम वाली बाई का जो फ्रॉड केस चल रहा है लखनऊ में। हाँ हाँ वो धोखे से पैसा लेके भाग जाती है। करेक्ट, बिल्कुल सही, वही वाला केस। देखिए क्या है, हमने उस एजेंसी से एक काम वाली बाई बुलाई है, ठीक है, अब उस बाई के जरिए हम उस पूरे गैंग को पकड़ेंगे। अब समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही समझा मैडम, क्या आइडिया है, वाह। आप सच कह रही है ना? हाँ हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब हम केस के लिए कर रहे हैं और करिश्मा सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो आपको बड़ी बहन से बढ़कर मानती है, उस घर में कोई सोच ही नहीं सकता कि आपको निकाल दिया जाए, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता वहाँ। तो एक बार ये केस सॉल्व हो जाए हम इस गैंग को पकड़ लें कि फिर वो घर वापस आपके हवाले। अरे आप रखिए सामान। अरे आपको इतने समझाया फिर भी हम आपको नहीं जाने। अरे छोड़िए। नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हम कहाँ जा रहे हैं उन्हें छोड़कर? तो फिर ये सूटकेस खाली है। अरे लिए थे किसी से गांव जाने के लिए, अभी लौटाने जा रहे हैं। हाँ विश्वास है आपके ऊपर, करिश्मा दीदी से आपके जज्बातों की बातें सुने हैं। बिल्कुल सही कह रही है, ये हमने भी सुने हैं मैडम आपके जज्बातों के किस्से, कि आप कहती रहती है हमारा तजुर्बा कहता है। नाराज नहीं है हम उनसे, तो इजाजत हो तो जाए। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। हाँ। लीजिए। अरे काम कहीं करिश्मा सिंह इतनी परेशान हो रही थी कि इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा, ये तो आसान था। वैसे मैडम आपने कहा था ना आरती मेड एजेंसी का पता करने के लिए कि ऐड करने के लिए कोई खुद आया था कि नहीं आया था, वैसे आपका अंदाजा एकदम सही था, एजेंसी से ऐड देने के लिए उन्हीं का आदमी आया था, न्यूज़पेपर ऑफिस से मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है और उसमें उस आदमी का फोटो कैप्चर हुआ है, ये देखिए। नहीं नहीं हमको नहीं देखना है संतू, अब इसको देख के कोई फायदा ही नहीं है ना, दिखाओ मैडम सर को, वो देखेंगी वो संभालेंगी इस केस को, हमें पता चल गया कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का दिशा ही एकदम गलत था। अब वैसे भी हमारे पास इस केस के लिए समय नहीं है, हमें इससे इम्पोर्टेंट केस मिला है, हमें उसको सुलटाना है जितना जल्दी हो सकता है। कौन सा केस मैडम? आरती मेड एजेंसी ने हमें जहाँ पे पहली बार भेजा था ना, वहाँ के हमारे पहले मालिक और उनकी बीवी बहुत ही बेरहम और जालिम थे मैडम, ये जैसे लगाए ना वैसे पीठ पे है और ये देखिए पैर पे भी है। फिर ना एक दिन मौका देखकर हम वहां से भाग निकले, किसी ने हमें सत्यमेड एजेंसी का नाम बताया, तब पता चला कि दुनिया में इंसानियत नाम की भी कोई चीज है, वरना हमारे पहले मालिक जैसे लोगों के हाथों से ना हम अभी तक पिटते रहते। तुम चलो हमारे साथ अभी बताओ। मैडम जी कोई फायदा नहीं है। काय फायदा नहीं है? अरे वो लोग तो कब के भाग गए घर छोड़ के। सब जानने के बाद से तो यही जाहिर हो रहा मैडम कि सत्यमेड एजेंसी बिल्कुल भी गलत नहीं है, गलत तो आरती मेड एजेंसी है जो भाग गया।
असली मुजरिम तो ये शन्नो के पहले मालिक जैसे लोग हैं जो अपने यहाँ काम करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। मिलेगी संतू, सजा मिलेगी, इंसाफ होगा शन्नो के साथ। ये जो मेड स्कैम का केस चल रहा है ना, अब ये मैडम सर संभाले। हमको ये पति पत्नी हमारे यहाँ थाने में चाहिए। शन्नो आ रही है, स्केच वाले को बुलाओ, पति पत्नी का स्केच बनवाओ, तब हम भी देखते हैं कि हमारे भौकाल से कैसे बचते हैं ये पति और पत्नी। हेलो मैडम। हेलो हेलो, कहिए क्या मदद कर सकते। एक मिनट, आप दोनों से तो हम पहले मिल चुके हैं ना शायद इसी थाने में। जी, वो आरती मेड एजेंसी वाले फ्रॉड की रिपोर्ट लिखाने कुछ दिन पहले आए थे। दरअसल हमारी मेड जब घर से भागी थी तो वो अपने पीछे अपना मोबाइल छोड़ गई थी, वो हमने आपको दिया था। हाँ हाँ हाँ, याद है। पूछो ना इनसे क्या हुआ हमारे उस कंप्लेन का, उस मोबाइल से कोई क्लू मिला उस फेक एजेंसी तक पहुंचने का। हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट संतोष शर्मा उसका पासवर्ड क्रैक कर रही है, जैसे ही कुछ हमें पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। इन्हें बताओ ना कि असल में इत्तेफाक से हमें उस फ्रॉड मेड की पिक्चर मिल गई है, असल में वही तो देने आए हम। तुमने बताया ना बेबी। एक मिनट, आपके पास उस मेड की फोटो है, प्लीज दिखाइए। हाँ जी मैडम, ये देखिए। क्या नाम बताया आपने इसका? बताओ ना जानू, शन्नू नाम है उसका। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रखो कटका और मारो फटका। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, पकड़ो पोछा और कर दो टाइट। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रगड़ो ऐसे, कर दो ब्राइट। सनी, सारा फुटेज सब अच्छे से मिल गया ना? अरे बढ़िया मैडम। ओके, एडिट करके दे देना। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे कर रही हैं, इससे क्या होगा, मतलब हमारे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है। हम उनको समझाएंगे क्या इसका परिणाम निकलेगा। बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास चैलेंज। इस चैलेंज में हम आपको 21 दिनों का समय देंगे। इन 21 दिनों में आपको अपने घर के सारे काम खुद करने हैं, और ये काम करते वक्त आपको वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चैलेंज का नाम है 21 दिन बॉडी फिट चैलेंज। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड हम ही जीतेंगे। आज से घर की मेड की छुट्टी में अपने घर का काम खुद ही करेंगे। हमको ऐसे क्यों घूर रही हो? अरे हमने क्या किया है? यही तो है कि कुछ किया ही नहीं, सब कुछ चौपट होता जा रहा है, पूरा धंधा खराब हो गया है। जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से निकाला जा रहा है, और जो लोग करना चाहते हैं उन्हें कोई काम पर नहीं रख रहा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? ना तुम ये फर्जी धंधा चलाते और ना हम थोड़े से पैसों की वजह से तुम्हारे साथ आते। ये सही है, चित भी मेरी पट भी मेरा। अरे एक तो काम दो, चार पैसे एक्स्ट्रा दो, ऊपर से हम ही गलत। कौन से चार पैसे? वो 4,000 का मामूली सा चिड़िया का चुग्गा, और खुद करते हो लाखों की हेरा फेरी। अब क्या करें हम, कहाँ जाएं, कैसे चलाएं अपना घर परिवार? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखना 2-4 दिन के बाद सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। ऐसा ही हो जाए ना तो अच्छा है, वरना भूखा पेट कब क्या कर गुजरे ना कोई नहीं जानता। संतु जी, टीवी ऑन कीजिए, टीवी ऑन कीजिए जल्दी। कौन सी फिल्म आ रही? जल्दी बोल। उफ़, ये मासूमियत। मना किए थे मासूमियत का, मना किए थे ना? यस मैडम, यस। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। S.H.O हसीना मलिक की वायरल हुई वीडियो ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। हर कोई अपने घर में अपनी काम वालियों को निकाल रहा है और अपने घर का काम खुद संभाल रहा है। हर कोई चाहता है कि हसीना मलिक के दिए हुए 21 दिन के टास्क को वो पूरा करे और इस चैलेंज का विनर बने। बताओ अब झाड़ू पोछा मार के हम केस सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा होता है क्या? झाड़ू पोछा मार के कैसे केस सॉल्व हो जाएगा हमको समझ में नहीं आ रहा है पुष्पा जी। कुछ सोचा होगा ना मैडम सर ने? सब्र कीजिए करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय। सर दर्द की दवाई का असर होने में भी थोड़ा सा वक्त तो लगता है, फिर ये तो जुर्म के जड़ का इलाज है, इसमें भी थोड़ा सा वक्त जाएगा। सब्र रखिए, बहुत जल्द आप सब कुछ समझ जाएंगे।
देखा ना? देखा क्या? देखा मासूमियत बहुत भारी पड़ा। एक मिनट क्या चल रहा है? ये कौन है? ये हाँ यही है आपका गुनेगार मैडम, उस फर्जी मेड एजेंसी का मालिक। और यही है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से नकली मेड एजेंसी चलाता है और हमारे नाम से, हम जैसी काम करने वाली औरतों के नाम से लाखों का धंधा करता है। मैडम हम सबको माफ कर दीजिएगा ना प्लीज। वो क्या है ना कि घर की जिम्मेदारी और मजबूरियों ने ना हमें कुछ देर के लिए मजबूर किया था, पर पता चला है ना कि आखिरकार मेहनत और ईमानदारी ही वो रास्ता है ना जिस पर चलकर हम इज्जत और स्वाभिमान से जी सकते हैं। मैडम प्लीज हम सबको माफ कर दीजिएगा। तजुर्बा कहता है हमारा, जिस तरह समुद्र के लिए बारिश बेमतलब होती है, भरे हुए पेट के लिए खाना बेमतलब होता है, ठीक उसी तरह जिसे अपने किए का सच में पछतावा हो उसके लिए सजा भी मतलब होती है। आप सब कितना पछता रहे हैं ये हमें आपके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। हम आप सबको कानूनन माफ करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अनुभव इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। ये मामला तुम्हारी और मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़ा और सीरियस निकला है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ, जो कि अगर भगवान न करे कामयाब हो गई तो करोड़ों जाने जा सकती है। This is going to be a huge conspiracy against the country. ये आप क्या कह रहे हैं सर? इंटेलिजेंस में महिपाल के प्रमुख सचिव, जिसे सब दीवान साहब कहते हैं, उसे सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए रिकॉर्ड किया है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि ये लोग किसी बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। अनुभव हमें इन्हें रोकना होगा, ये कामयाब नहीं होने चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। और हाँ ये भी पता चला है कि ये जो दीवान साहब है ना, एक दो दिन में लखनऊ आने वाले हैं हसीना मल्लिक से मिलने, किसी माल की डिलीवरी है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन हिज एवरी मूव। गॉट इट? जी सर। जय। चलिए फोटो एडिट किया जाए। जरूरत है किसी भी फिल्टर की, वैसे इतने अच्छे हैं। सर, आप यहां अचानक कैसे? हम यहां निरीक्षण के लिए आए। सब ठीक है? जी सर, एवरीथिंग इज फाइन। हसीना जी, हमने आपको अपनी तस्वीर दी थी, आपने उस पर कायाकल्प किया है? हाँ सर, दरअसल आपका फोटो काफी देर देखने के बाद, मतलब आपने हमारी तस्वीर काफी बार देखी है। देखकर काफी देर सोचने के बाद हमें लगा कि फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब हम आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं? दरअसल हमारे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट। नमस्ते दत्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा, वो हमारा पार्सल है। मतलब पार्सल आने वाला है जिसमें हमारे कारपेट डिजाइन के डॉक्यूमेंट हैं। क्या तुम हमारा पार्सल अपने पास थाने में रख लोगी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे थाने में महफूज रखेंगे, आप जब चाहें आकर कलेक्ट कर सकते हैं, इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्ते बेटा। जी जी, रखते हैं फोन, शुक्रिया। क्षमा कीजिए हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाले हैं। ओ हाँ, हमारे चाचा जी। अरे हाँ, क्या नाम था उनका? महादेव जी? नहीं नहीं, महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, अच्छा वो यहाँ आने वाले हैं।
नहीं नहीं, वो नहीं आने वाले, उनके मुनीम जी हैं, दत्ता जी, वो आने वाले हैं। कोई पार्सल भिजवा रहे हैं वो थाने में रखने के लिए, वो बाद में कलेक्ट कर लेंगे। दत्ता के आने का मतलब है कि महिपाल के प्लान की शुरुआत हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द ये देखना होगा कि आखिर उस पार्सल में है क्या। तो ठीक है हसीना जी, हम चलते हैं। जी सर। अगर आपको हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो हम तस्वीर भी ऐसे ही भेज देते हैं विवाह के लिए। जी सर, भेज दीजिए। चलते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।